हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड तो स्टूडेंट्स आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है टू अर वर्ल्ड यानी कि आप अलग अलग देशों में जो पूरे दुनिया में अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे आइए शुरू करते हैं अनवर एन साहिबा वेंट ऑनर टू वर्क विद दर पेरेंट्स दे स्टार्टेड फ्रॉम दर ओन कंट्री एंड देन वेंट ऑन अ वर्ल्ड टूर यानी कि अनवर और साहिबा जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ वर्ल्ड टूर पे गए हैं लेकिन उन्होंने शुरुआत करी है अपनी कंट्री से इन दिस टूर दे सो मेनी वंडरफुल प्लेसेस एंड टुक देयर फोटोग्राफ्स दे नीड हेल्प टू आइडेंटिफाई देयर नेम्स और अलग अलग देशों में जब उन्होंने विजिट किया उन्होंने अलग अलग फोटोग्राफ्स क्लिक करी अब उनको उनके बारे में यानी कि उन फोटोग्राफ्स में कौन से कौन से प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में उनको मदद चाहिए आइए शुरू करते हैं आइडेंटिफाई द मोन्यूमेंट्स नंबर अब आपके सामने कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं और क्लू बॉक्स में आपको उनके नाम भी गिवन है अब आपको बताना है कि कौन सा मोन्यूमेंट कौन सा है ए जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स वो है ओपेरा हाउस यानी कि आपको मैच करना है नंबर टू सेकंड बी बी जो है आपका वो है बांकिंगाम पैलेस यानी कि आपको बी के सामने मार्क करना है फाइव सी जो है स्टूडेंट्स वो है लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये है यानी कि थ्री सी को आप मैच करेंगे थ्री से डी डी है स्टूडेंट्स आईफिल टावर आईफिल टावर है आपका नंबर सिक्स पे ई e, ई e है स्टूडेंट्स आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका इंडिया में ही है आपकी अपनी कंट्री में और ये आप मैच करेंगे स्टूडेंट्स वॉल ऑफ चाइना इसको आप मार्क करेंगे नंबर वन से जी जी है स्टूडेंट्स ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा इसको आप मैच करेंगे नंबर फोर से तो स्टूडेंट्स ये आपके सात अलग अलग देशों में पाए जाने वाले मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं और इनके साथ इनकी अलग अलग हिस्ट्रीज भी अटैच हैं। नॉलेज कॉर्नर आईफिल टावर इज इन पैरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस तो स्टूडेंट्स आपने आईफिल टावर यानी कि जो नंबर डी पे आपने पढ़ा आईफिल टावर है आपका पैरिस में पैरिस है फ्रांस की कैपिटल ये एक यूरोपियन कंट्री है तो स्टूडेंट्स हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई होप आपको अलग अलग देशों के मॉन्यूमेंट्स के बारे में आज जानकारी जरूर मिली होगी इसकी जितनी भी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स वो हमने करी है लेकिन आपको उसको दोबारा प्रैक्टिस जरूर करना है